प्यारे बच्चों, आज हम कविता पढ़ रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन, कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पहला ही चैप्टर है और इस पहले चैप्टर में दो कविताएं थी। पहली कविता हमने पढ़ी है आत्म परिचय और दूसरी ये कविता है, दूसरा ये पार्ट है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन, पहले हम पढ़ चुके हैं कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। जैसे शराब में नशा होता है, ठीक वैसे ही प्रेम में भी नशा होता है, प्रेम का भी एक नशा होता है। इसी दर्शन को हालावाद कहा, प्रेम की मस्ती को ही हालावाद कहा है और इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसका आज हम भावार्थ करने जा रहे हैं। पहले एक बार वाचन कर लेते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीढ़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि ने बताया कि जब भी हम किसी कार्य को मन लगा करके एकाग्रता से करते हैं तो फिर समय व्यतीत होता हुआ हमें प्रतीत नहीं होता है। जब हम व्यर्थ बैठे रहते हैं, ठाले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, तो उस समय थोड़ा समय भी हमें बहुत बड़ा लगता है। और जब हम गतिशील रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, परिश्रम करते हैं, एकाग्रता के साथ किसी काम को करते रहते हैं, तो समय बीतता हुआ व्यतीत होता हुआ हमें पता ही नहीं चलता है। यही कवि ने इस कविता में संदेश दिया है। पहला पद है, इसमें एक पंथी का उदाहरण दिया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ कहते हैं मार्ग को, रास्ते को। एक राहगीर है, वो रास्ते में चल रहा है, गतिशील है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, तो वह सोच रहा है हो जाए न पथ में रात कहीं। राहगीर सोचता हुआ चल रहा है कि कहीं मार्ग में ही रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मेरी मंजिल है जहां मुझे जाना है, जो मेरा लक्ष्य है, जो गंतव्य स्थल है, वह भी अब दूर नहीं है। कहीं रास्ते में ही, कहीं मार्ग में ही रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी अब अधिक दूर नहीं है। यह सोचकर दिन का पंथी भी, पंथी कहते हैं राहगीर, अब वो दिन भर से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, लगातार वो चल रहा है पंथी राहगीर, अब वो सुबह से चल रहा है तो थका हुआ भी होगा। यह सोचकर दिन का, यानी दिन भर से वह राहगीर जो चल रहा था, गतिशील था, और भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। कहीं मार्ग में ही रात नहीं हो जाए, मेरी मंजिल भी अब अधिक दूर नहीं है, यही सोचकर दिन भर जो चल रहा है वह थका हुआ पंथी राहगीर जल्दी जल्दी चलने लगता है, तो दिन भी जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, दिन भी जल्दी जल्दी
अपनी एकाग्रता को मंजिल से जोड़ता है, मेरी मंजिल अधिक दूर नहीं है ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी चल रहा है कि रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी दिन जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है, समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। यहाँ देखिए जल्दी जल्दी लगातार पद की पुनरावृत्ति है, इसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर है। इसके अलावा हम यदि देखें तो यह सोच दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, विस्मयादि बोधक चयन लगा हुआ है, और जहाँ विस्मयादि बोधक चयन किसी पंक्ति के लगा रहता है तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती। तो दो बातें हमारे सामने आई हैं, एक तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है। दूसरा पद देखते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, एक तो ये संधि पद है, प्रतिधन आशा, यहां पर यण संधि है, और दूसरा इसका अर्थ है इंतजार, इंतजार करना। चिड़िया के बच्चों की बात है, चिड़िया सोच रही है कि बच्चे इंतजार में होंगे, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी चिड़िया है वो दाना लेने के लिए खेतों की ओर चली गई है, खेतों में अपने बच्चों के लिए दाना चुन रही है, वहीं पर चिड़ियों के ये ध्यान आता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। नीड़ों से, नीड़ों का अर्थ है घोंसलों से, घोंसलों से झांक रहे होंगे, झांकने का अर्थ है देख रहे होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से देख रहे होंगे, अपनी माता का इंतजार कर रहे हैं। यह ध्यान परों में, परों का अर्थ है पंखों में, चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यही ध्यान चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है, अर्थात वे चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है जब उनके ध्यान आता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से देख रहे होंगे, यही ध्यान चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है, और उसी चंचलता में दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, अब स्वयं अपने लिए कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। हम जानते हैं, पहले कविता में पढ़ चुके हैं कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, अब ये वियोग अवस्था में हैं, अकेले रह गए हैं, बड़े दुखी हैं, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर तो पहले पद में तो राहगीर को अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँचना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रहा था, यहाँ पर चिड़ियों को अपने बच्चों के पास जाना है इसलिए वो जल्दी जल्दी उड़ना चाहती थी, उड़ रही थी, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी व्याकुल, और प्रश्नवाचक चयन आ गया, जैसा हम समझ चुके हैं कि प्रश्नवाचक चयन आता है तो अधिकांश से नकारात्मक अर्थ जुड़ता है, वहां नहीं का प्रयोग हम कर देते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल है, कौन व्याकुल है, अर्थात कोई भी व्याकुल नहीं है, मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो गई, अब मुझसे मिलने को कौन विकल है, कौन व्याकुल हो रही होगी, अब मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, मैं हूं किसके हित चंचल,
मैं किसके हित के लिए चंचल बनूं, मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं, किसके हित के लिए चलूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी कदम। यही प्रश्न कौन से कि मैं किसके हित चंचल बनूं और मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। यही प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। यही जो दो प्रश्न हैं मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। और उर यानी हृदय में, हृदय में विवलता व्याकुलता। और यही प्रश्न हृदय में व्याकुलता भर देते हैं। मैं बड़ा व्याकुल हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं। यही प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं और हृदय में व्याकुलता भर देते हैं। और उसी व्याकुलता में दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। कवि के पत्नी की मृत्यु हो गई है, बड़े दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी, चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन मेरे घर पर तो अब मेरी पत्नी नहीं है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं किसके हित के लिए अब चंचल बनूं, मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं। और ऐसे ही प्रश्न हैं वो मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं, धीमे कर देते हैं, हृदय में व्याकुलता भर देते हैं, एक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। और उसी पीड़ा में, उसी व्याकुलता में दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, मेरा समय व्यतीत हो जाता है। थैंक यू।